खबर ये भी सामने आई कि हिमाचल विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। स्टैंप ड्यूटी विधेयक को लेकर सदन में हंगामा किया गया। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि बिल प्रस्तुत करते वक्त ही गिर गया। कांग्रेस के 17 और बीजेपी के 19 विधायक सदन में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये बिल तो पेश करते वक्त ही गिर गया था। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया सदन से। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने तमाम बातें कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि बिल पेश करते वक्त ही सदन में गिर गया था। सुनते उन्होंने क्या कोई प्रोविजन नहीं, हमने हेड काउंट मांगा था, हमने कहा था कि इसमें डिवीजन दीजिए, लेकिन डिवीजन देने के से पहले वहां पर शोर शराबा कर दिए कांग्रेस के नेताओं ने, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक हाउस की जो एक व्यवस्था है, एक बार जब वोटिंग हो चुकी है उसके बाद दोबारा स्पीकर साहब वोटिंग के लिए उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ही दिन में दो बार एक बिल पर वोटिंग का प्रोविजन कोई नहीं है, सिरे से इसको खारिज करते हो। और सही मायने में ये जो बिल है इंट्रोडक्शन में ही गिर गया है, इसलिए बिल पारित नहीं किया जा सकता है। और अगर करेंगे तो इससे बड़ा मजाक जो है लोकतंत्र का हो नहीं सकता है, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और हम यहां पूरा भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल इस बिल के विरोध में है। जो इंक्रीज की गई है स्टैंप ड्यूटी में, वो एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत ज्यादा है, 10 गुना है, और इससे हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के ऊपर बहुत